Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are here with a new recipe, paneer masala. Hope so you like it. And if you do, please do like, share and subscribe to our channel. मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है. अब मैं इसमें एक टेबलस्पून घी ऐड करूँगी. मेरा घी पिघल चुका है. अब मैं इसमें जीरा और धनिया ऐड करूंगी और मैं इसके चटकने का इंतज़ार करूंगी. इसके बाद मैं इसमें बाकी जो मैंने अपने मसाले आपको बताए थे वो डालूंगी. मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर, क्वार्टर चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 3 हरी इलायची, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लिया है. अब इसमें हम जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो सभी इसमें ऐड कर लेंगे. लगभग 1 मिनट तक लो फ्लेम में इसे भुनेंगे. अब मैं इसमें रफली चॉप टमाटर 3 ऐड करूंगी. और इसे मैं इसके गलने तक का वेट करूंगी. एक कटोरी लगभग मखाने ऐड करूंगी. और साथ में मैंने इसमें 8 पीस के लगभग काजू लिए हैं वो ऐड करूंगी. और चॉप्ड हरा धनिया. अब मैं इसे फिर से 2 मिनट और पकाऊंगी. देखिए मैंने पनीर के पीस कट कर लिए हैं. अब मैं इसे मैरिनेट करूंगी. थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि मैंने पहले भी ग्रेवी में सॉल्ट ऐड किया है. अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करूँगी क्योंकि ये नवरात्रि में बन रहा है तो बिन लहसुन प्याज के ही ग्रेवी बनेगी. अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच लगभग दही ऐड करूँगी और मैं इसे मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी. अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें अपने मैरिनेट पनीर को ऐड कर लिया है. लगभग लो फ्लेम में मैं इसे 2 मिनट तक पकाऊंगी. मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ. मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा और बे लीफ डाल के उसे मैं भून लूंगी. अब जो मैंने टमाटर की ग्रेवी वाला अपना मसाला बनाया था उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है. देखिए अब मैं वो उसमें ऐड करूंगी और इसे जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक मैं इसे भूनती रहूंगी. अब मेरा ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो चुका है. अब मैं इसके ग्रेवी के अकॉर्डिंग इसमें गर्म पानी ऐड करूंगी.
से मैं इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड करूंगी और एक पिंच दालचीनी पाउडर भी ऐड करूंगी। साथ में मैंने इसमें क्वार्टर स्पून काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। अब मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। अब मैंने इसमें अपने पनीर के पीस ऐड कर दिए हैं। साथ में मैं इसमें ऊपर से 2 हरी मिर्चें ऐड करूंगी और मैं इसमें 2 चम्मच घर की मलाई को 1 चम्मच दूध में फेंट के इसमें ऐड करूंगी जो इसकी थिकनेस को बढ़ा देगा। अब मेरी शानदार सी ग्रेवी बनके रेडी है। देखिए ये फाइनल लुक है पनीर मसाला रेसिपी का। चलो बेटे इसे टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। मम्मा आई लव इट। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर वीडियोस एंड विद दिस नोट Until we meet again, bye bye, take care.